बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर, जो कि मेरे पास है कटिंग एज टेक्नोलॉजी पार्ट वन में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पार्ट वन चैप्टर हमारा चल रहा है, जो कि सेकंड चैप्टर है उसका। आज सेकंड लेक्चर है ये, ठीक है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में। इस लेक्चर के बाद आप ये जान सकते हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस तरह वर्क कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि हर जगह ब्लूटूथ हम देखते हैं यूज़ हो रही है आजकल, हमारे फ्रिजिस वगैरह में, एसीस में और माइक्रोवेव ओवन में, ज़्यादातर तमाम तरह चीज़ों में, जो पर्सनल चीज़ें होती है उसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है। और आगे आने दौर भी IoT का, यानी कि इंटरनेट पर सारे तमाम तरह चीज़ें जा रही हैं और इंटरनेट के थ्रू आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये आज हम जो पढ़ रहे हैं ये पर्सनल नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ब्लूटूथ देखते हैं क्या है। सबसे पहले ब्लूटूथ जो है क्या है, ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि वाइड आपके केबल्स को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि आप जैसे कि आप आपके पास मोबाइल है और आपके पास लैपटॉप है, तो आपको एक केबल चाहिए होगी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन आप लैपटॉप में भी आपके पास ब्लूटूथ अवेलेबल होती है और टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, आपके मोबाइल में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, तो आप इस तरह दोनों के दरमियान कोई डेटा है वो दोनों के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी लाई गई एक शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी जो पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए बनाई गई थी, जिसमें आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते थे विदाउट वायर, ठीक है। और लेकिन ये सिक्योरिटी भी होती है, जिसमें हाई लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी मौजूद होता है, यानी कि आप किसी का डेटा को हैक कर लें ईजिली, तो कोई चीज़ हैक नहीं हो सकती। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को काफ़ी टफ एल्गोरिथम यूज़ हो रहे हैं इसके लिए, ठीक है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन एडहॉक टेक्नोलॉजी। एडहॉक टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जो जब दो डिवाइसेस आपस में वायरलेसली कनेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं एडहॉक टेक्नोलॉजी। लेकिन पीकोनेट उस चीज़ को बोलते हैं जब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वायरलेस में। वायरलेस तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर, जैसे सेलुलर कम्युनिकेशन है वो भी एक एडहॉक टेक्नोलॉजी है ना, समझ लें, क्योंकि वायरलेस से हम उसमें बात कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एक बेसिक शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है, और जब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो बन जाती है पीकोनेट, ठीक है। वो क्या बन जाती है, वो बन जाएगा पीकोनेट बन जाएगा, क्लियर है। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन एडहॉक नेटवर्क, एडहॉक टेक्नोलॉजी पर बेस करती है, कि जब भी दो डिवाइसेस आपस में वायरलेसली कनेक्ट होंगे, वायरलेसली ये भी कनेक्ट है, तो सब ब्लूटूथ से कनेक्ट है नहीं, तो हमारे पास जब भी वायरलेसली जो भी चीज़ें कनेक्ट होंगी हम उसको बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडहॉक नेटवर्क है। लेकिन जब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं पीकोनेट, क्या है हमारे पास, ये पीकोनेट, क्लियर है। ओरिजिन नेम ऑफ ब्लूटूथ नेम, अच्छा ऑफ ब्लूटूथ नेम, सबसे पहले ये ब्लूटूथ जो नेम है वो ये टैकी नेम वगैरह नहीं है ना, कोई एक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का नेम है कोई ऐसा नहीं है। फॉर हाउ इनोवेटिव द टेक्नोलॉजी द नेम डजंट साउंड टैकी, इसमें कोई टैकी साउंड भी नहीं निकलता। इट इज़ नॉट एन एक्रोनियम एंड डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग, ये किसी चीज़ का मुखफ़ भी है, एब्रीवेशन वगैरह भी नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म भी नहीं किसी के। तो इसका मतलब क्या है, तो ये एक बादशाह था आज से 958 में, डेनमार्क का एक बादशाह था, किंग, जिसका नाम था ब्लूटूथ, ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया था, उसने ब्लूटूथ इज बोरो फ्रॉम द 10th सेंचुरी, ये लिखा हुआ, ये ब्लूटूथ 10th सेंचुरी जो किंग था ऑफ डेनमार्क का, ठीक है ना, डेनमार्क का जो किंग था, किंग हॉरल्ड ब्लूटूथ, उसका नाम था किंग हॉरल्ड ब्लूटूथ, हु वॉज वेल नोन फॉर टू थिंग्स, वो दो चीज़ों की वजह से जाना जाता था, ठीक है। उसने यूनाइटिंग डेनमार्क और नॉर्वे को 958 में क्या किया था, उसने मुत्तहिद किया था, सही है ना, उसमें उन्होंने इत्तेफाक पैदा किया, इत्तेहाद पैदा किया, इस वजह से जाना जाता था। और उसके जो आगे के दांत हैं वो उसके डेड टूथ जो थे वो ब्लू कलर के थे, तो इस वजह से इस टेक्नोलॉजी का नाम जो रखा गया, क्योंकि ये दो डिवाइसेस या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान क्या करती है, कनेक्टिविटी को
को कनेक्टिविटी क्रिएट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान एक शॉर्ट रेंज में रहते हुए, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लूटूथ जो नेम आए, कोई भी आपसे पूछे कि ब्लूटूथ नेम किस किस तरह से रखा गया, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का नेम ब्लूटूथ, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई ये कोई टैकी नेम नहीं है, ये एक 10th सेंचुरी का किंग था हमारे पास, डेनमार्क किंग हॉरल्ड ब्लूटूथ। वो दो चीज़ों के लिए बड़े मशहूर थे, क्योंकि उन्होंने एक उन्होंने इतफाक यूनिटी कायम की थी डेनमार्क और नॉर्वे, दो स्टेट्स जो थी उनके दरमियान 958 में, और उनके जो दूध थे आगे के वो थे डेड टूथ थे, और उनका जो कलर था वो था ब्लू, तो इस डार्क ब्लू कलर के थे, तो इस वजह से इनका इस जो टेक्नोलॉजी का नाम रखेंगे वो रखेंगे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ ब्लूटूथ की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू लैन वाइल्ड जो डब्ल्यू लैन जो होता है, एक होता हमारा जब मैंने आपको जो नेटवर्क स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे उसमें मैंने आपसे बात की थी कि वैन होता है, मैन होता है और लैन होता है, LAN LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मैं लोकल एरिया नेटवर्क को वाई के थ्रू कनेक्ट नहीं करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि उसको वायरलेस भी कनेक्ट कर दूँ, तो उसको हम बोलेंगे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वायरलेस लोकल एरिया में डिवाइसेस दूसरी यूज़ हो रही होती हैं, जैसे आपका होम राउटर होता है आपका, इसी तरह एक्सेस पॉइंट वगैरह होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, जो सिग्नल्स को दूर दूर रख के फेंकते हैं, ठीक है। तो उसमें उससे क्या होगा, आपके आपके सिग्नल्स बहुत जगह फैलेंगे, तो आप कहीं पर भी होंगे एक लोकल एरिया नेटवर्क में, तो आप अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये पैन नेटवर्क जो होता है PAN उससे बड़ा होता है। और द नीड ऑफ पर्सनल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट वायरलेसली विद वन अनदर विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज लेड टू द एमर्जेंस ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बनाई गई वो पैन के लिए बनाई गई, पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए बनाई गई है, जिसमें हम अपनी अपनी पर्सनल डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा माइक्रोवेव हो गया और हमारा लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल और लैपटॉप के दरमियान जो डेटा शेयरिंग है उसको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू इजली हम कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ब्लूटूथ में ये चीज़ बड़ी दिलचस्प है जानने के लिए कि एरिक्सन एक कंपनी है जिसने हमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इन 1994 में डिफाइन किया गया, स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया था भाई कि हमें एक ऐसा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क को अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहें वाइल्डलेसली, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रोजेक्ट उन्होंने कायम उस पर काम करना शुरू किया, और वो एक लो पावर कंजम्पशन भी, यानी कि पावर भी उस पर इतनी ज़्यादा नहीं लगी, और लो कॉस्ट रेडियो इंटरफेरेंस भी, यानी कि अब आप देखेंगे आपको जब इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके एक वाइल्डलेस जो सिग्नल आ रहे हैं उसके आप पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, जो वाइल्डलेस सिग्नल आ रहे हैं आपके पास, या आप एक तो राउटर आपके पास आपने वो देखा जहाँ जिन अर्बन एरियाज में जहाँ पर इंटरनेट ISPs नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो वहाँ पर वायरलेस इंटरनेट काम कर रहा था अर्बन एरियाज में, सिंध में अंदरूनी सिंध में ज़्यादातर हम देखते हैं वहाँ पर ISPs नहीं है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, जैसे हमारे पास यहाँ पर फारिया काम कर रहा है और कनेक्ट वाले हैं और फाइबर वाले हैं, मुख्तलिफ जो हमारे पास यहाँ पे ISPs हैं लेकिन अर्बन एरियाज में नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वायरलेस सिग्नल्स काम कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ है लेकिन वो वायरलेस भी काम करते हैं वो, ठीक है। तो उसके आप क्या वो लोग क्या करते हैं, उस वायरलेस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन जब आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर वायरलेस तो सिग्नल्स यूज़ हो रहे थे लेकिन उसके आप पैसे नहीं देते, तो लो कॉस्ट यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये, ठीक है ना। तो मोबाइल फोन्स जो यूजिंग पावर कंजम्पशन भी बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है, और लो कॉस्ट भी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट से समझें इसको आप, ठीक है। तो फिर 1998 में फिर IBM जैसी कंपनी, इंटेल हो गया जो हमारे पास हमारे पास प्रोसेसर बनाते हैं कंप्यूटर के, नोकिया हो गया, तोशिबा हो गया, ज्वाइन कर लिया उन्होंने, एरिक्सन कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया, किस लिए, एक टू फॉर्म द ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, टू फॉर्म ब्लूटूथ बनाने के लिए उन्होंने एक जो ग्रुप बना हुआ था उनका स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, जिनका एम ही यही था कि हमने एक ऐसी पर्सनल एरिया नेटवर्क की ऐसी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करनी है जिस जो एक विदाउट पर्सनल एरिया टेक्नोलॉजी, एक मिनट, जिनका एम ही हम यही था कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जहां पर हम क्या कर सकें, इजी हम डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करा सकें, ठीक है। तो ये था, तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद, एक मिनट,
इसलिए हम ब्लूटूथ पे रखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा IEEE ने, IEEE एक इदारा है जो कि अब जैसे वायरलेस सिग्नल्स होते हैं ना, हमारे पास वायरलेस सिग्नल्स को आप लिख लीजिएगा, जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये पैड जो हमारा वायरलेस है, वाईफाई वायरलेस जो है हमारा वायरलेस वाईफाई सिग्नल स्टैंडर्ड। तो वाईफाई का भी एक स्टैंडर्ड है जो IEEE ने दिया। IEEE क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है ना। एक IEEE, ये आपको याद होना चाहिए, MCQs में आ सकता है। ये स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सबको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। इसने वाईफाई को स्टैंडर्ड क्या दिया भाई, तुम्हारा उसने बोला भाई आपका स्टैंडर्ड है A02.11। अब उसमें बहुत सारे ये सब स्टैंडर्ड्स हैं, इसके A B है, BGN है, BG है, जी है, N है, और AC वगैरह जो है, इसके सब स्टैंडर्ड। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, .11। इसी तरह IEEE ने वाईफाई ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को भी क्या दिया है, एक स्टैंडर्ड दिया है, ब्लूटूथ IEEE ने क्या दिया, सॉरी IEEE ने भी इसको एक स्टैंडर्ड दिया जो कि क्या है 802.15, ठीक है। ये देखें 802.15.11, ठीक है, .1 सॉरी। तो ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम ये स्टैंडर्ड यूज कर रहे होते हैं। जब भी हम ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो कौन सा नेटवर्क हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम जो यूज कर रहे होते हैं वो है हमारे पास, जो स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे होते हैं वो है 802.15.1। ये IEEE का स्टैंडर्ड है जो कि ओपनली है, यानी कि हर जगह हम ये स्टैंडर्ड यूज करेंगे। जब भी हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हम जो IEEE का स्टैंडर्ड यूज करेंगे, जो IEEE ने दिया है, वो है हमारे पास 802.11.1, ठीक है। तो IEEE स्टैंडर्ड कवर्स मैग एंड फिजिकल लेयर एंड मैग एड्रेस। ये IEEE का ये जो आप जब आपके पास एड्रेसिंग वगैरह जो होती है, IPv4 जो हमने पढ़ा था वो भी एक एड्रेसिंग का पार्ट था, लेकिन जब भी कोई एड्रेस बनता है तो वो एक IEEE ही उसको असाइन करता है उसका स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं ब्लूटूथ फीचर्स हैं कोई, जब ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशन डिटेल इन द एंटायर प्रोटोकॉल स्ट्रिंग, यानी कि एक प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, जैसे 802.15.1 जो इसका प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है। ब्लूटूथ यूज रेडियो फ्रिक्वेंसी फॉर कम्युनिकेशन, जब भी ब्लूटूथ जो यूज़ करता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर रहा होता है, जो सिग्नल्स जो होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है जो कि यूज़ कर रहा होता है। इट मेक्स यूज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन टू जनरेट रेडियो वेव्स इनटू ISM बैंड जो है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिकल जो बैंड है हमारे पास, वो यूज कर रहा होता है अपनी कम्युनिकेशन के लिए। और एक टाइम में ये सॉरी एक सेकंड में 1600 मरतबा अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं आपको यहीं पर अगर समझाना चाहूँ तो अगर पेन ले लूँ मैं, ठीक है, अगर यहाँ पर एक डिवाइस यहाँ पर है, ठीक है, और एक लैपटॉप यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो एक लैपटॉप यहाँ रखा हुआ, तो अब ये दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स हैं, अब फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स की वजह से अब जाहिर बात है, अब यहाँ पर दो लैपटॉप रखे हुए हैं या दो मोबाइल हैं, तो वो भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर अब ये एक सेकेंड में 1600 दफ़ा फ्रिक्वेंसी को अपनी क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है, 1600 दफ़ा अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करेगा। हो सकता है कि वो दोनों सेम फ्रिक्वेंसी पर आ जाएं, लेकिन वो जो आएंगे वो एक सेकंड के लिए आएंगे, अगली मरतबा में फिर दोबारा से अगली सेकंड में फिर से फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, यानी कि एक सेकंड के 1600वां हिस्सा जो होगा उसमें, एक सेकंड में भी नहीं आएंगे, एक सेकंड के 1600वां हिस्सा होगा उसमें आके दोनों डिवाइसेस अगर
एक सेम चैनल यूज कर रही कर लेती हैं, एक ब्रांड का सेम चैनल यूज कर लेती हैं, तो वो एक सेकंड के 1600वां हिस्सा होगा, जो कि बहुत माइनर सा इफेक्ट होता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये एक ISM बैंड यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको बता दिया कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिकल जो बैंड है वो फ्रीक्वेंसी का बैंड जो है उसी के चैनल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे देखते हैं, ब्लूटूथ रेंज डिपेंड्स ऑन द डिवाइस क्लासेस। क्लास 3 डिवाइस है द रेंज ऑफ अप टू 1 मीटर टू 3 फीट, अप टू 1 मीटर या 3 फीट जो होती है इसकी, यानी कि जो क्लास 3 तरह के हमारे डिवाइसेज हैं, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1। तो क्लास 3 की जो डिवाइस है वो 1 मीटर या 3 फीट का जो कम्युनिकेशन है वो 3 फीट के अंदर रहते हुए या 1 फीट के अंदर रहते हुए, 1 फीट के अंदर रहते हुए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर जो क्लास 2 की, क्लास 2 डिवाइस जो है वो उनकी जो रेंज होती है वो होती है 10 मीटर से लेकर 30 फीट तक, और क्लास 1 की जो डिवाइस है उसकी जो रेंज है 100 मीटर से लेके या 300 फीट तक, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखी हुई, मैंने ग्राफिक आपको मैंने एक इमेज के फॉर्म में भी डाल दिया था, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया क्लास 3 की रेंज कितनी है, 1 मीटर से लेके 3 फीट, 1 मीटर या 3 फीट। क्लास 2 की जो रेंज है वो 10 मीटर से या 30 फीट है, और क्लास 1 की जो डिवाइस है उसकी रेंज जो ज़्यादा होती है, यानी कि अब एक रेंज होती है हम, यानी कि सबकी एक रेंज में आप काम करते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरह एक रेंज है, तो उसकी क्लास 1 की जो रेंज है वो है हमारे पास 100 मीटर्स या 300 फीट, ठीक है। अच्छा जी, ब्लूटूथ सपोर्ट 1 MB, अच्छा ब्लूटूथ की जो वर्जन है 1.2, 2.0, 3.0, 4.0 और 5 आने वाला है, ठीक है। तो ब्लूटूथ सपोर्ट जो करता है 1.2 वर्जन जो है 1 MBPS की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है, जो ब्लूटूथ का वर्जन 1.2 भी जो यूज़ कर रहा होगा उसके जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो 1 MBPS की स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा होगा, जबकि जब 2.1 का जो टू और एंड 2.1 MBPS डेटा रेट फॉर वर्जन 2.0, ठीक है। जो अगर जो 2.0 वर्जन यूज़ कर रहा है उसका डेटा किस स्पीड से ट्रांसफ़र होगा, 2.1 की स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। तो जो 2.0 यूज़ कर रहा है वर्जन, तो देखें 2.0 यूज़ कर रहा है उसके जो डेटा ट्रांसफ़र होगा 2.1 MBPS से ट्रांसफ़र हो रहा है, और यहाँ पर 1.2 में 1 MBPS की डेटा स्पीड, और 1.1 जो था उसमें 732 KBPS मिलती थी, KBPS हमारे पास यूनिट्स होती हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आगे आगे। सॉरी, कि हमारे पास 1 KBPS वो बराबर, सॉरी 1 MBPS करने से, 1 MBPS जो बराबर होता है उसके अंदर 1024 KBPS होते हैं, ठीक है। अब ठीक है, और 1 MBPS में 1024 KBPS होते हैं, और आपके पास 1 GBPS गीगाबिट पर सेकंड, 1 GBPS में आपके पास जो होते हैं 1024 MBPS होते हैं, MBPS, ठीक है, ये M कैपिटल आएगा, ठीक है। बाकी सब क्या आएंगे छोटे, ये सब छोटे आएगा। अगर आप MB कर देंगे ना तो ये मेमोरी आ जाती है, कैपिटल B कर देंगे मेगाबिट, सही है। तो आपको जब भी ये स्पीड आप लिखते हैं MBPS में मेगाबिट पर सेकंड, तो उसमें हमेशा आप पहला जो वर्ड है वो कैपिटल आएगा, या जो मेगा का हो या वो गीगा, सॉरी यहाँ पर भी कैपिटल आएगा, चाहे वो गीगा का हो या वो KBPS का हो, तो पहला वर्ड जो कैपिटल है, बाकी जो BPS जो होंगे वो स्मॉल में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो आपने स्पीड बता दी है, ठीक है। जो 2.0 वर्जन है वो 2.1 MBPS की डेटा के स्पीड के साथ डेटा को ट्रांसफ़र करता है, 3.0 का वर्जन जो है वो 24 MBPS की स्पीड के साथ डेटा को ट्रांसफ़र करता है, और जो 4.0 का वर्जन है वो हमारे पास 21 या 24 MBPS की स्पीड के साथ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स भी काम कर रहे होते हैं, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, usage of Bluetooth. Bluetooth technology has achieved global acceptance such that any Bluetooth enabled device almost everywhere in the world can be connected with
ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो एक ग्लोबली अब यूज़ हो रही है, इसको हर बंदा यूज़ कर रहा है, ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ हो रही है। अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं, आपकी जो अप्लाइंसेस आ रही हैं आजकल, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आ रही हैं, वो ब्लूटूथ बेस आ रही हैं आजकल, और उसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी मौजूद है। और इसका एडवांटेज भी ये कि लो पावर कंजम्पशन डिवाइस है, फिर ऑफ कोर्स सिग्नल्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको रेंज इसकी बता दी है कि क्लास वन के लिए अलग रेंज है, क्लास टू के लिए अलग रेंज है, और क्लास थ्री की जो डिवाइस है उसके लिए एक अलग रेंज है। तो ब्लूटूथ ऑफर इंटरएक्टिव कॉन्फ्रेंस बाई एस्टेब्लिशिंग एन एंड हॉक नेटवर्क ऑफ लूप्स। मैंने आपको बता चुका हूँ, जब भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वर्क करती है एक एडहॉक नेटवर्क बनाती है, लेकिन जब भी एडहॉक या इसको आप पिकोनेट भी कह सकते हैं, एडहॉक पिकोनेट मिला के भी कहते हैं लोग अभी इसको ना, तो पिकोनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और वायरलेसली कम्युनिकेशन के लिए हमारा एक बेहतरीन जरिया है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आपके पास देख सकते हैं, ये आपके पास डेस्कटॉप है, हमारे पास ये स्पीकर्स हैं जो ब्लूटूथ, अच्छा आजकल आप देख लोगे स्पीकर्स जो आ रहे हैं ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, सही है ना। जो आपने आपका जो मोबाइल होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका स्पीकर आ गया, ठीक है, ये आपका स्पीकर आ गया, और यहाँ पर आपका ये मोबाइल फोन है, अब तो कार से ब्लूटूथ का फंक्शन मौजूद है। अब आप क्या कर रहे होते हैं, इस मोबाइल से आप जो सॉन्ग्स चला रहे हैं, आजकल 14 अगस्त भी चल रही है, 14 अगस्त आने वाली है बस, तो जो सॉन्ग्स चला रहे होते हैं 14 अगस्त पे, कुछ भी सॉन्ग चल रहे होते हैं, मिली नगमे चले या सॉन्ग्स चले, तो आपके पास जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप दोनों की ब्लूटूथ पावर को ऑन करते हैं और डिवाइसेस को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास जो ये जो मोबाइल है ये एक मास्टर डिवाइस है। क्या है? मास्टर, इसको देख लीजिएगा, मैं मास्टर डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि और ये क्या स्लेव है, ये गुलाम है इसकी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो भी डिवाइस होती है जिससे हम कंट्रोल कर रहे होते हैं दूसरे डिवाइस को, वो हमारे पास मास्टर होती है, और जो कंट्रोल हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि अब जाहिर पता है जो गाना आप जो भी सॉन्ग आप मोबाइल पर चलाएंगे वही साउंड आपको क्या देगा, ये ब्लूटूथ स्पीकर देगा, ऐसा नहीं कि आप सॉन्ग कोई वापस चलाएं और सॉन्ग दूसरा सॉन्ग यहाँ चल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर यही डिप मोबाइल इस पर कनेक्ट है और आप यहाँ पर सॉन्ग चला रहे हैं, वही सॉन्ग की वॉइस आपकी इस स्पीकर से आपको सुनाई देगी। तो मास्टर कौन हुआ हमारे पास? मास्टर हमारे पास मोबाइल हुआ, और स्लेव हमारे पास कौन हुआ? हमारे पास स्लेव स्पीकर हुआ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिएगा, इसकी जो एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना, इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत छोटे छोटे एडवांटेजेस हैं जो कि मैंने असाइनमेंट में भी डाले, तो आप बुक से देख के पढ़ सकते हैं, आपको कुछ समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके ग्रुप में अवेलेबल है, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, जो चीज़ समझ नहीं आए उसको फिर आपको मैं वहीं पर ही बता दूँगा उन चीज़ों को, या फिर कोई वहीं पर मैं ज़्यादातर मैं चीज़ों को वहीं बता देता हूँ, या कॉल पर बता देता हूँ, तो आप जो भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इधर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, और कोशिश करें कि असाइनमेंट आप खुद करें, या आप किसी से ले वे के जो आप छाप के जो दे रहे हैं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर असाइनमेंट ऐसे आते हैं कि बस जो गलतियाँ सेम गलती निकलती हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक हर बंदा सेम कैसे सोच रहा है, इसकी सेम थॉट कैसे हुई है, तो ऐसे नहीं करें। आप उम्मीद है आपको मज़ा आएगा लेक्चर को, जब आप कुछ करेंगे ना फिर आपको खुद फील होगा भाई हम कुछ कर रहे हैं, यानी कि आप मुस्तकबिल के मेहमान हैं, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है ना जब आप कुछ खुद से कर रहे होते हैं, तो अगर गलती भी होगी अच्छी बात है ना, आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको गलत होगी फिर आप जब आप चीज़ें सही मिल जाएंगी बोलेंगे हमें तो बस सही होगी चीज़ें, बस छोड़ देते हैं, हमने उन टेक्नोलॉजी की डेप तक के जाना है, अभी तो आप बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, आगे आगे भाई इंशाल्लाह बड़ी इंस्टीट्यूट्स में आप बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, आपने चीज़ों को डेप में समझना है, आप मेरी दुआ है कि आप आगे जाएं, आगे पढ़ें टेक्नोलॉजी को, तो चीज़ों को डेप तक के समझें ताकि आपको चीज़ों को समझने में मज़ा आए, उसके आपको बिहाइंड प्रोसेस पता हो। जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेलुलर कम्युनिकेशन किस तरह वर्क करता है,
तो सेलुलर कम्युनिकेशन की जो हमने बस नंबर मिलाया कॉल हो गई, ठीक है, तो ये उसके बिहाइंड क्या प्रोसेस चल रहा है उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अपना बहुत सारे रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।